कोडक के बड़े ईगो ने उसके अंत की शुरुआत की, लेकिन कैसे? ये तो हम सब जानते कि एक बार कोडक के एम्प्लॉयज के पास डिजिटल कैमरे की आइडिया आई और वो कंपनी के मैनेजमेंट के पास चले गए। तो मैनेजमेंट ने एक्जैक्टली उनसे यही कहा, दैट्स क्यूट बट डोंट टेल एनीवन अबाउट इट। और उसके बाद कोडक ने एक एक्सटेंसिव रिसर्च किया कि कौन सा कैमरा आने वाले टाइम में चलेगा, और उनके इस रिसर्च में उन्हें पता चला कि डिजिटल कैमरा में वो सारी कैपेबिलिटीज है जिससे वो फिल्म बेस्ड कैमरा को रिप्लेस कर सकते हैं। लेकिन इस 10 साल के विंडो में अपना डिजिटल कैमरा डेवलप करने के बजाय वो फोकस करने लगे ड्रग कंपनी पर, और उस कंपनी का नाम था स्टर्लिंग ड्रग, जिसे उन्होंने $5.1 बिलियन खर्च करके खरीदा। और बाद में उन्हें पता चला कि ये बिजनेस उनके केमिकल बिजनेस को ज्यादा सपोर्ट नहीं कर सकता, इसलिए उन्होंने स्मॉल स्मॉल पार्ट में उस बिजनेस को बेचा। लेकिन जिस प्राइस में उन्होंने इस बिजनेस को खरीदा था उसकी आधी वैल्यू भी उन्हें नहीं मिल पाई। अगर आप कोडक के जैसे ही बिजनेस मिस्टेक से सीखना चाहते हो तो आप सुन सकते हैं 0 to 1 बाय पीटर थिल की बुक समरी को कुकू एफएम पर, जो कि इंडिया का लीडिंग ऑडियो बुक प्लेटफॉर्म है जहां पर 1000 आवर से भी ज्यादा का कंटेंट अवेलेबल है। तो अगर आप स्क्रीन पर दिए गए कूपन कोड FIN50 को यूज करते हो तो पहले 250 यूजर्स को मिलेगा 50% डिस्काउंट। जल्दी से कमेंट सेक्शन से कुकू एफएम ऐप डाउनलोड करें और अपनी ऑडियो जर्नी शुरू करें।